जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी और इसको भी हम PYQ के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि छात्र अधीक्षक का पेपर का जो डेट है अनाउंस लगभग हो गया है 25 सितंबर को। तो इंग्लिश से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएगा, हिंदी से भी। तो हम हिंदी का तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, आज हम इंग्लिश का भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और इसमें PYQ बताया जाएगा और जहाँ यथासंभव होगा आपको डिटेल बताई जाएगी, नहीं तो आप यदि इंग्लिश की आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से पुराने प्रश्न को क्वेश्चन कैसे आता है इसको भी आप कर आराम से बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि नाउन से कैसे प्रश्न आते हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि नाउन होता क्या है, ठीक है। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको नाउन के 4-5 वीडियो जो मैंने बनाया था बेसिक वीडियो, उसको आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल हम कुछ कुछ बातें हैं जो नाउन के बारे में जान लेते हैं, है ना, एकदम ओवरव्यू, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, तो मेरा बात ध्यान से सुनिए। एक जैसे आपने आप कहीं गए, आपने किसी चीज को देखा, तो देखने के बाद उसका नाम पूछेंगे, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि कोई चीज आपको दिख गया तो उसका नाम पूछेंगे और वही उसका नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब इस दुनिया में क्या चीज़ है, आपने कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग्स होगा। पर्सन में सब कुछ आ जाएगा, गाय, बैल, भैंस, बकरी सब आ जाएगा, प्लेस में पूरे स्थान आ जाएंगे, और थिंग्स में सारे जितनी भी वस्तुएं हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी आ जाएंगी। इसका कहने का मतलब ये है, यदि आप कहीं गए, आपने कुछ चीज़ देखा और उसके बाद उसका नाम पूछा, तो जिसका नाम है वो नाउन है, चाहे वो नाम कैसा भी हो वो उसका नाउन है। चलिए, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब भी नाउन हैं, ठीक है। अब बाय एग्जांपल ऐसे देखिए, यदि हमने आप पर्सन के बारे में बात किया है तो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, तो पर्सन आपके डेविड हो सकते हैं, एमली, ही, शी, इट, या किसी भी चीज का नाम, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल पर्सन हो जाएगा। किसी भी स्थान को देखते तो स्थान का नाम पूछ सकते हैं, जैसे एशिया एक नाउन है, यूरोप एक नाउन है, अमेरिका नाउन है, इंडिया एक नाउन है, है ना, पैसिफिक ओशन एक नाउन है। थिंग्स, चीजें, जैसे मोबाइल एक नाउन है, बुक्स एक नाउन है, पेंसिल एक नाउन है, है ना। उसके बाद DESR लिखा है, कार है, ठीक है। उसके बाद जो भी आइडिया आपके पास, जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, फ्रीडम है, लॉयल्टी है, एंगर है, जो चीज जिसका भी नाम है ना, जितने भी इस दुनिया में नाम है उस सबको हम नाउन के नाम से जानते हैं। अब इसका आप प्रकार भी देख सकते हैं, इस दुनिया में जो भी हमारे आंखों से दिखे और जिसका नाम है वो नाउन है। और सीधी सी बात है, अगर कि दिखेगा तो कोई ना कोई नाम होगा, और नहीं भी होगा तो उसका नाम रख देंगे, ठीक है। इसका इसलिए हम इस बात को लिखा है कि इस दुनिया में जो भी हमारे आंख से दिख गया वो नाउन है, क्योंकि नाम हो या ना हो नाम तो हम बना ही देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है, लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार से नाम को बांट दिया गया है, तो नाउन के प्रकार आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम बांटते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन मतलब वैसे नाउन जिसको हम गिनते हैं या फिर गिनने की आवश्यकता है, ठीक है, जिसको हम गिनते हैं और गिनने की आवश्यकता होती है, वैसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन में कितने प्रकार हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। दूसरी बात याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन, इसी नाउन का हम क्या बोलाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, केवल और केवल काउंटेबल नाउन का ही बहुवचन बनता है। इसका मतलब प्रॉपर नाउन का बहुवचन बन सकता है, कॉमन नाउन का बन सकता है और कलेक्टिव नाउन का बन सकता है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर कभी उसको गिनना उचित भी नहीं है और ना ही काम का चीज़ है, वैसे है ना, इन सभी को हम कहेंगे मटेरियल नाउन में। सारे जितने भी सामान है, द्रव्य है, दूध, दही, घी, सोना, चांदी, वो सब आ जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके भाव है, जिसको आप देख नहीं सकते, उस चीज़ों के यदि आप नाम रखते हो तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो चीज़ें आप देख नहीं सकते, जैसे प्रेम, घृणा, है ना, ब्यूटी, खुशी, ये सब आप देख नहीं सकते लेकिन नाम तो रखे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद मटेरियल नाउन, दूध, दही, घी, सोना, चांदी, ये सबको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये मान लीजिए प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर मतलब किसी भी प्रॉपर नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे आपका नाम जो भी होगा, ठीक है, आपका नाम हो गया। उसके बाद जैसे जय, राम, श्याम, स्थान का नाम हो जाएगा बिलासपुर, इंडिया, भारत, जो भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स होंगी,
है ना, जैसे बुक हो गया, ये हमारी चीजें हो जाएंगी, ये सब जो नाम है हमारे कॉमन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर नाउन को याद रखिएगा, एक जो प्रॉपर नाउन है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। मैं लिख बोल रहा हूँ, आप बस लिखना, मेरे कैपिटल होता है, मतलब ए होता है। ठीक है, और जो हमारा जो कॉमन नाउन है वो आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, कॉमन नाउन आर्टिकल, सॉरी प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, मिनिमम ऐसे केस है जिसमें कॉमन प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें यदि कोई प्रॉपर नाउन शॉर्टकट में आ गया, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा MP, MLA, CG, इस प्रकार के यदि आ जाएगा तब हम उसमें आर्टिकल का उपयोग करेंगे। अब कॉमन नाउन के बारे में जानिए। कॉमन नाउन वैसे नाउन होते हैं जो किसी की जाति को बताते हैं, जैसे लड़का, लड़का एक जाति है। जैसे आप लड़के हो, आपके दोस्त भी लड़का ही है, लेकिन आपका नाम अलग है, आप दोस्त का नाम अलग है। आप भी लड़के हो, आपके पिताजी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ। दुनिया में जो जो भी चीज़ है, मतलब जितने भी मनुष्य जाति है उसको हम लड़का कहेंगे, लेकिन सब लड़के का नाम अलग अलग होगा। जैसे आपके स्कूल में ही मान लेते हैं, जैसे गर्ल्स में मान लेते हैं, गर्ल्स स्कूल में, मतलब गर्ल्स कॉलेज में या फिर गर्ल्स स्कूल में सभी के सभी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन सभी गर्ल्स का नाम अलग अलग हो गया। यदि उसका प्रॉपर नाम रख दिया गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, और सभी को एक साथ मैंने कह दिया गर्ल्स तो वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ ही आता है। क्या कहा मैंने, कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है। और कौन से कॉमन नाउन, आपके सिंगुलर कॉमन नाउन आर्टिकल के साथ आएगा। प्लूरल कॉमन नाउन विशेष स्थिति होने पर ही आर्टिकल लेगा, नहीं तो प्लूरल कॉमन नाउन आपके आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, अब आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो किसी चीज़ का बंच बना है या फिर समूह होता है, समूह का जो इंगित करता है कोई भी नाम लेने पर उस समूह जैसे प्रतीत होता है, जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हमको जो कलेक्शन को बताता है। ठीक है, अब देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में हमें बता दें जितने भी लोहा, चांदी, तांबा, पानी, जितने भी हैं द्रव्य, वो सभी मटेरियल नाउन हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे भाव हो गया, आपके प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, इसको आप ना तो देख सकते हैं लेकिन नाम तो रखे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं कि एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच नहीं है, इसलिए आपको मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया हूँ कि आपका काम चल जाएगा। देन द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज, ठीक है, तो आपको नंबर बताना है कि जो ब्यूटीफुल का जो नाउन है वो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है नाउन से, केवल 7-8 प्रश्न पूछे हैं, और कुछ हम प्रैक्टिस वाला भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सी इज अ ब्यूटी इन अबव सेंटेंस द वर्ड ब्यूटी इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एडवर्ब या फिर प्रॉपर नाउन। अभी मैंने आपको बताया नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में क्या क्या था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे जो आपकी ब्यूटी है, ब्यूटी को देख ये केवल आप क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी देखिए, आप कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा है वो ब्यूटी है, लेकिन किसी व्यक्ति का जो नेचर है वो भी ब्यूटी कहला सकता है। देखिए, आप अच्छे हो तो भी आपको ब्यूटी कहा जा सकता है। तो ये आपके भाव के कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका एक्सट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अंडरलाइन वर्ड 50 इज यूज एज अ कलेक्टिव नाउन, एडवर्ब, पार्ट ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। देखिए, 50 का ये ग्रुप दिखा रहा है ना, मैंने कहा कि कलेक्शन कैसे बताया गया, कोई भी कलेक्टिव नाउन आपके कलेक्शन को दिखाता है किसी सेम चीज़ का। तो अंडरलाइन जो 50 क्या चीज़ दिखाता है, आपके कलेक्टिव नाउन को बताता है, अ कलेक्टिव नाउन। अगला प्रश्न, आपको मैच द फॉलोइंग्स करना है, मैच द वर्ड अबव यूज्ड इन सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए टू पार्ट ऑफ द स्पीच इन बिलोंग्स टू एज अ गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, द हेवंस आर अबव, इसका मतलब ये है कि सभी सेंटेंस में अबव का यूज हुआ है। तो किस किस सेंटेंस में अबव किस प्रकार से यूज हुआ है, कि किसी में एडवर्ब होगा, किसी में नाउन होगा, किसी में एडजेक्टिव होगा, वही आपको बताना है। The heavens are above, ये क्या चीज़ है, ये आपके एडवर्ब को बता रहा है, मतलब क्रिया विशेषता बता रही है। ठीक है, क्रिया विशेषता बता रही है, तो यहाँ पे जो above है ये आपकी विशेषता को बता रहा है, the heavens are above ऊपर है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का जोड़ी पहले के साथ।
द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल, ये आपकी जो आपकी जो मॉरल लॉ है ना, जब द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल, ठीक है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं इसकी जो अबव है इसकी पोजिशन बता रही है, ठीक है, किसका पोजिशन बता रहा है, ये आपके नाउन का पोजिशन बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे एज अबव जो है, अबव जो है प्रपोजिशन के उपयोग प्रीपोजिशन के हिसाब से या फिर उसके उस प्रकार से इसको उपयोग किया गया है। एनालाइज द अबव सेंटेंस, ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, सीधे सीधे इसका आंसर है। आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, हमारे जो ब्लेसिंग्स मतलब होते हैं आशीर्वाद जो ऊपर से आते हैं, तो ऊपर कौन है, गॉड, तो इसके हिसाब से ये नाउन के रूप में कार्य कर रहा है अबव, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसके सामने सामने वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई एम गोइंग ऑन बिजनेस स्पेस टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, आपके पास जर्नी है, ट्रेवल है, ट्रिप है और वॉयज है, ठीक है, तो जर्नी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, जर्नी का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, वही यदि आप ट्रेवल की बात करते हैं तो ट्रेवल का मतलब होता है सफ़र, कहीं दूर सफ़र यदि आप करते हो तब हम उसको ट्रेवल कहते हैं। वॉयज क्या कहते हैं, यदि आप समुद्री या फिर अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो आप इस वर्ड का उपयोग करें, और ट्रिप यदि कोई आप विशेष कार्य के लिए पर्टिकुलर एक टारगेट फिक्स करके जाते हैं उसको हम ट्रिप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है आई एम गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप, तो आप विशेष कार्य के लिए को आप बॉम्बे जा रहे हो तो इसके लिए आपका आ जाएगा ट्रिप। घूमने जाओगे तो एक बार आप जर्नी लिख सकते हो, कोई लंबी दूरी में जा रहे हैं तो उसको आप ट्रेवल लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो गलत है वो बताना है, इसमें चार सेंटेंस है, ऊपर वाले को मैंने नहीं लिखा है। ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बिन स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह हैज़ बिन स्टैंडिंग, है ना, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, लोगों का समूह है गली के किनारे पे खड़े थे, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें नो एरर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, लेट अस हैव नो बट्स He said formally, "You are coming." In the above sentence, the word "but" is as. ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यह होता है कि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि हमें कोई किंतु परंतु नहीं सुनना है, आप आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी से बात बुलाते हैं या फिर आपको कोई बुलाते हैं तो साफ बोलते हैं कि हमें कोई किंतु परंतु नहीं सुनना है, बस आपको आना है। तो इसका मतलब यही है, लेट अस हैव नो बट्स ही सेड फॉर्मली यू आर कमिंग। तो इसमें जो बट है वो किस प्रकार की यूज हुआ है, तो जो बट यहाँ पे नाउन के रूप में उपयोग हुआ है, किसके रूप में, नाउन के रूप में उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, इसमें जो काउंटेबल नाउन के उपयोग हुआ है वो बताना है आपको, ठीक है, काउंटेबल नाउन। What is beautiful since the vase is made of bone china, I do not have any work to do, I watch less movie, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इसका ऑप्शन उत्तर क्या ले, देखिए इसके हिसाब से इसमें आंसर लिया गया है, ये आपके CHPCL 2019 का प्रश्न है, इसके हिसाब से इसमें उत्तर लिया गया है वाट इज़ ब्यूटिफुल सिंग, इसको काउंटेबल नाउन कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर नहीं आना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बुक में आंसर यही लिया है लेकिन मुझे डाउट जा रहा है कि आंसर इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन कुछ है, अगर अनकाउंटेबल होता तो एक बार चल भी जाता। आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या है। अब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न कम थे इसलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी दिक्कतें ना होगी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें पॉइंट करना है कि नाउन कौन सा है और उसके प्रकार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, विथाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, ठीक है, विथाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो यहाँ हमको दो नाउन दिख रहा है, एक तो है हेल्थ, ठीक है, दूसरा है हैप्पीनेस, एक तो है हेल्थ दूसरा हैप्पीनेस, और दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप ना हैप्पीनेस को देख सकते हैं केवल महसूस करते हैं और हेल्थ को भी महसूस कर सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो यहाँ पे जो नाउन क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा, ठीक है, और कैसा नाउन है, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन है, कैसा नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अशोका वाज वाइस किंग, ठीक है, तो यहाँ पे अशोका और किंग
ठीक है, ये क्या है हमारे नाउन है। तो यहाँ पे देखिए अशोका क्या चीज होगा, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति का स्पेशल नाम है, ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन किंग की बात करें तो ये हमारे कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि राजा बहुत दिखे, चाहे भारत की राजा हो है ना, तो क्योंकि भारत की हो या फिर अन्य राज्य की हो, देश में सबको राजा कहेंगे। राजा के स्पेशल नाम हो सकते हैं, जैसे यहाँ राजा के स्पेशल नाम अशोका है, उसी प्रकार अन्य स्टेट के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सबको हम समाहित रूप से या फिर एक साथ किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपके जो रेड फोर्ट एक किले का नाम है, और जो दिल्ली एक स्थान का नाम है, एक प्रॉपर नाम है ना, ठीक है। दिल्ली कहने से आपके दिमाग में क्या सोचते हैं कि कोई एक जगह का नाम होगा, लेकिन किंग कहने से पता चलता है कि बहुत सारे किंग हो सकते हैं, पुराने जमाने के, अभी के, कोई अच्छे कुछ बुरे, ऐसे किंग हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है। रेड फोर्ट पर्टिकुलर एक बिल्डिंग का नाम है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर का नाम है। तो ये हो जाएगा आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्या नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको यहाँ कितने नाउन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले दिख रहा है आपका रायपुर, जो आपके प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्थान का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य का नाम है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद हो जाता है कैपिटल, राजधानी, राजधानी तो बहुत सारी हो सकती है, देश की राजधानी हो सकती है, हर एक राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है, जो कैपिटल है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। A committee of five was appointed, ठीक है, A committee of five was appointed। तो यहाँ पे committee जो है आपके noun है, कौन सा noun है ये, आपके collective बता रहा है, collective noun है ये, collective noun है ना, ये collection को बता रहा है, ठीक है। I believe in innocence, I believe in innocence, तो ये innocence क्या हो जाएगा, एक noun हो जाएगा, ठीक है। और जो बिलीव है ये भी आपका नाउन हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी सी अ फीट ऑफ शिप इन हार्बर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लीट और एन हार्बर, ये फ्लीट हो गया और ये हार्बर, ये दोनों आपके नाउन है। और फ्लीट जी क्या, कौन सा नाउन है, आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और हार्बर जो है एक कॉमन प्रॉपर नाउन, हार्बर किसी ग्रुप का, किसी का नाम है। और फ्लीट जी क्या है, उसकी झुंड को बता रहा है, मतलब ठीक है, उसकी झुंड को बता रहा है। स्विच द फैन ऑन एंड क्लोज द डोर, ठीक है, स्विच क्या कहा गया है, स्विच द फैन ऑन एंड क्लोज डोर, तो इसमें आ जाएगा आपको फैन, ठीक है, ये फैन हो गया। फैन के बाद आ जाएगा डोर, तो दोनों कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे हैं, दरवाजे का पर्टिकुलर नाम नहीं रहता। फैन का नाम, हाँ, आजकल दरवाजे का भी अलग अलग कंपनी नाम से नाम आ गया है, फैन का नाम हो सकता है, उसके कंपनी का नाम या फिर उसके मॉडल नाम से आप फैन को नाम दे सकते हैं। अगला हो जाएगा द सोल्जर वेयर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सोल्जर्स, ठीक है, और ब्रेवरी, ये दो आपके नाउन हो जाएंगे। तो जो सोल्जर्स है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, जितने भी होंगे उसको हम सोल्जर ही कहेंगे, हो सकता है उसका अलग से नाम होगा, तो लेकिन सोल्जर क्या होगा, उसका कॉमन नाउन हो जाएगा। ब्रेवरी क्या चीज़ होगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर इज इंक इन द इंक पॉट, ये आपके सबसे पहले इंक पॉट और ये इंक, दोनों के दोनों हमारे, सॉरी, तो इंक पॉट क्या हो जाएगा हमारा, इंक पॉट हो जाएगा इसमें कॉमन नाउन, और जो इंक है ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है, इंक पॉट कॉमन नाउन हो जाएगा और इंक जो है मटेरियल नाउन हो जाएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दिल्ली आपके प्रॉपर नाउन है, इंडिया का प्रॉपर नाउन है, और जो कैपिटल है वो हमारे कॉमन नाउन है। रवि नोज द ट्रूथ, रवि नोज द ट्रूथ, इसका उत्तर हो जाएगा रवि, तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आता है हमारा ट्रूथ, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी इज अ कॉर्स, ठीक है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, पॉवर्टी मतलब गरीबी एक अभिशाप है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो पॉवर्टी इज कर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका पावर्टी और कर्स, ये दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका चंद्रपुर इज
सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी, ठीक है। तो इसमें आपके चंद्रपुर आ जाएगा नाम, फिर महानदी आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा रिवर, ठीक है, और ये बैंक, ये सभी का आपके क्या हो जाएंगे, नाउन है। अब देखिए इसमें से जो चंद्रपुर है और महानदी है ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है महानदी और चंद्रपुर, लेकिन ये जो रिवर और जो बैंक है ये आपके कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। क्या कह जाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। कंपटीशन एकेडमी इज नियर भिलाई टॉकीज, ठीक है। तो इसमें जो कंपटीशन एकेडमी है ये प्रॉपर नाउन है, भिलाई टॉकीज भी प्रॉपर नाउन है। बाइसिकल, आई हैव टू बाइसिकल, ठीक है। तो इसमें बाइसिकल आ जाएगा कॉमन नाउन। द पोस्टेड लेटर, ठीक है, तो लेटर कॉमन नाउन हो जाएगा। इंडिया इज इन एशिया, तो इंडिया और एशिया आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नाउन पहचान आना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम में आए प्रश्नों के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें करवा दी हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर कंप्यूटर और मैथ्स साथ में छत्तीसगढ़, ये पांच टॉपिक आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।